सर आवाज येते माझा? हाँ येतोय, बोला. हाँ सर, एक 35 वयाचा पेशंट आहे. हाँ, त्याच्या लेफ्ट साइडच्या हाताला मेल आहे का त्याला फिमेल? वीकनेस कंपन मेल आहे सर, मेल आहे. हाँ मसल टोन मसल पॉवर त्याची कमी झाली आहे. आधी त्यांनी औषध घेऊन गेले होते 15 दिवसाचे, मग त्यांनी मध्ये स्टॉप केले होते. आता 3 महिन्यानंतर परत आलेला आहे तो. परत त्याचं, हा, परत त्याची मसल पॉवर कमी होत चालली आहे. आता डाव्या हाताला आधी जाणवत होता, आता उजव्या हाताला पण तसंच जाणवत आहे त्याला. आणि त्याच्या हिस्ट्री मध्ये सर फीवरची काही हिस्ट्री नाही मिळाली तसं, किंवा आधीचं काही मेडिसिन वगैरे असं काही घेत नव्हता. पण कटुप्रिया जास्त आहे आणि जड काम जास्त करतो, तर त्याला असं जाण. सर आता त्याला वाढत आहे, तर हे कमी कसं करायचं? आता त्यांनी मॉडर्न डॉक्टर कडे गेला होता तो, तर तो MND म्हणून डिटेक्ट झालेला आहे असं सांगितलं ओके. त्यांनी. तर अशा वेळेस सर आपण त्याचं कमी करत कसं करू शकतो आणि आपण काय विचार करता त्याच्यावर? प्लीज प्रकाश. तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है, अभी मांस शैथिल्य हमने अगर उसका निदान अगर कर दिया तो ये अचानक से कैसे हो रहा है वो पहले देखो. कुछ वात प्रकोप कारण कुछ हो रहे क्या वो देखो. वैसे कुछ दिख रहा है तो वो अगर निदान है तो वो बंद कर दो. दूसरी बात, उसको भ्रूण करने वाला मांस धातु पर जाने वाले द्रव्य है उनका सिलेक्शन करना है. हाँ, पहले तो मांस का जो धातु है उसको अगर हमें, हाँ हिंदी वालों को प्रश्न पूछ बताता हूँ मैं कि इन्होंने जो प्रश्न पूछा वो 35 ईयर्स का मेल है और उसके राइट राइट हाथ को ना, राइट नहीं सर, लेफ्ट लेफ्ट हाथ का. लेफ्ट आता हाथ, राइट 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 नंबर शुरू हाँ, चला है परत. तो लेफ्ट हाथ में क्या हो रहा है, मांस शैथिल्य हो रहा है, उसकी ताकत कम हो रही है. हाँ, और उनकी अगर उन्होंने केस हिस्ट्री ली तो कुछ ऐसी खास केस हिस्ट्री मिली नहीं उनको. अभी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको. तो अगर हमें माउस की ताकत बढ़ानी हो तो माउस गामित्व भी द्रव्य देने पड़ेंगे. सिर्फ भ्रूण नहीं, माउस गामित्व भी देने पड़ेंगे. माउस का अग्नि भी वर्धन करना पड़ेगा और माउस का अगला धातु, पहला धातु का भी भ्रूण करना पड़ेगा. तो अगर ये सब हमने सोच लिया तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा. पहला पॉइंट, रस रक्त रक्त धातु पर काम करना पड़ेगा. रक्त अच्छा हुआ तो मांस अच्छा होगा. दूसरी बात, मांस वर्धन के लिए भ्रूण द्रव्य देने पड़ेंगे. अब मांस के लिए श्रेष्ठ भ्रूण कौन सा है? मांस रस है. अगर वो नॉनवेज खा रहा है तो मांस रस है. हाँ, नहीं खा रहा है तो मांस आदि जो द्रव्य है वो. वो खा रहा है क्या वेज, नॉनवेज? नॉन वेजिटेरियन है तो फिर. हाँ ओके, तो मांस रस चालू करना है उसको. हाँ, अब मांस रस तो हम देंगे और उसका गामित्व भी चाहिए हमें मांस, क्योंकि शैथिल्य सिर्फ मांस का है. हाँ, तो हमें मांस का वर्धन करने के लिए क्या क्या है, मांसाग्नि वर्धन के लिए श्रेष्ठ है मरीच. हाँ, इसीलिए मरीच का चूर्ण है वो जो है वो मांस पर डालते हैं. हाँ, क्योंकि साक्षात मांसाग्नि बढ़ाता है. हाँ, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है. किसमें? ये मांस रस में प्रयोग करना हो और पेट में प्रयोग करना हो. तो अगर पेट में अगर आप माश, अश्वगंधा, विदारी, हाँ ऐसे अगर बला, अति बला, ऐसे अगर द्रव्य दोगे तो उसमें मरीच जो है उसका भी चूर्ण का प्रयोग करना है. तीसरा प्रयोग है कि मांस जो है, त्वचा जो है मांस से बनती है, तो त्वचा के त्वचा भ्रूण त्वचा से भी भ्रूण होना चाहिए मांस का. तो त्वचा के त्वचा पर लगाने के लिए अभ्यंग. तो अभ्यंग किसका करना? तो अभ्यंग करना जो जो भ्रूण द्रव्य है उनके बनाया हुआ जो तेल होगा उसका. तो साक्षात कर्णरो अध्याय में पाली पालीगत रोग है, जहाँ पाली कम होती है, कर्ण की पाली जो है वो कम होती है और उसमें तेल बताया है. तो यहाँ वहाँ यष्टि मधु, चारोड़ी, ऐसे करके तेल आया है. तो वो तेल सिद्ध करना, हाँ, जो मधुर द्रव्यों से युक्त है और भ्रहण करने वाला तेल है. तो ये तेल जो है वो अभ्यंग करने के लिए, हाथ में लगाने के लिए देना उसको. हाँ, ये प्रयोग करो. अगर वो बस्ती दे रहा है तो मुस्तादी यापन बस्ती चालू कर दो उसको. ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किया और उससे वो ठीक हो रहा है तो ठीक है, इससे भी नहीं हुआ तो बहुत कठिन होती है फिर चीज़ ये. ठीक है. धन्यवाद. कभी एंगल कौन से रह जाते हैं, हम रक्त धातु पर काम नहीं करते हैं कभी कभार. माउस 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 के माउस ऐसा करते हैं, माउस धातु को बढ़ गया, माउस कम, माउस ही बढ़ाओ ऐसा करते हैं. रक्त धातु को भी
रक्त धातु का ही काम होना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि रक्त धातु ही मांस का पोषण करेगा, है ना। उत्तरोत्तर धातु ऐसे पोषण करते हैं, तो इसलिए रक्त भी अच्छा होना चाहिए। तो उस हिसाब से यकृत पिपली या फिर ऐसे जो योग आए हैं, जो साक्षात यकृत पर काम करने वाले हैं, हाँ ऐसे योग, एक ऐसा भी योग आता है कि रक्त तेल, जो अजा है उसका रक्त है ना, उसके उससे सिद्ध तेल बनाना और वो साक्षात उसके तेल का अभ्यंग देना, तो उससे भी रक्त धातु अच्छा हो जाता है, झट से बढ़ जाता है, मांस को ताकत मिलती है। तो इस प्रकार रक्त से भी रक्त पर काम करो, मांस पर काम करो, मांसाग्नि वर्धन करने के लिए द्रव्यों पर काम करो, अभ्यंग द्वारा मांस पर काम करो। ऐसे अगर करोगे तो, और बस्ती में अगर देना तो मुस्तादी अपन बस्ती देना, हाँ ऐसे अगर काम करोगे तो कुछ हमारे हाथ में ये केस आ जाती है। ठीक है। और हेलो सर, सर बोलो। 58 ईयर का पेशेंट है मेल, तो उनको ना ट्रैवल करने के एट बाद फिफ्टी कुछ, एट क्या है, हाँ मेल है। ट्रैवल करने के बाद ट्रैवल से, नहीं तो बस से या गाड़ी पे भी गए, बाइक पे तो भी, और कुछ उठाने के बाद ऐसे मूवमेंट हो गए चेस्ट के या हाथों के, तो उनके चेस्ट पे थोड़ी स्वेलिंग आती है और रिब्स पे भी स्वेलिंग आती है, और स्टर्नम का एंड रहता है ना अपना, नीचे झुकते हैं वहां पे भी स्वेलिंग आती है, और कभी कभी माइल्ड फीवर भी आता है, बट ड्यूरिंग ट्रैवल ही ये कंप्लेन रहे हैं उनके। ट्रैवलिंग मीन्स कौन सा ट्रैवलिंग? हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हाँ सर आ रही है, हाँ, क्या बोल रहे बीच हैं? में इंटरप्ट कौन गई से थी। ट्रैवलिंग में, क्या क्या ट्रैवलिंग करने के बाद? कोई भी नहीं, मैं क्या बोल रहा बस का हूँ, ट्रैवल ऐसे किया तो देखो वाहन प्रवास क्या करता है, वात का चल गुण बढ़ाता है। हाँ ठीक सर, है ना, ये तो मालूम है आपको। हाँ, तो चल गुणात्मक वात वृद्धि होने के बाद क्या आता है, होता है उनमें सूजन आ जाती है ना। बोलो ना क्या हो रहा है, सूजन आती है हाँ कि सर क्या होती सूजन है? आ जाती है बस, सूजन हो हाँ, जाती है और ना। थोड़ा बोलो। और फीवर भी आता है, हाँ, फीवर भी फीवर आता आता है तो बॉडी पेन करता है क्या? है, हाँ सर बॉडी बॉडी भी पेन पेन होता है। करता है। हाँ, तो देखो हेतु क्या है। चलो अभी आपने जितनी केस हिस्ट्री बताई उस पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसके आगे भी केस हिस्ट्री हो सकती है, अगर आपने कुछ पूछा तो कुछ अलग भी निकल सकता है, पर आपने जितना इनपुट दिया है उतने में बोल रहा हूँ मैं कि ये वाहन प्रवास जो करना है, कष्ट काम करना है, ये जो है चीज़ें, वो चल गुण की वात वृद्धि होती है। अब चल गुण के वात प्रकोप से क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है उनमें, ये शोथ आ रहा है ना। ठीक है ना। हाँ, ये अभी शोफ आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वातज शोफ का विचार करके चिकित्सा देनी पड़ी चाहिए। वातज शोफ में क्या क्या आया है मालूम है? दशमूल आया है, देवदार करके आया है। हाँ, तो इनका पहले क्वाथ दे दो, और बॉडी को लगाने के लिए तेल दे दो, उसको अभ्यंग करने बोलो। अगर उसी शोफ में आपको लग रहा है कि वहाँ वो बोल रहा है कि दाह है, हाँ मुझे सेकने के बाद अच्छा दर्द होता है, ऐसा हो रहा है, तो हमें पित्तज शोफ का विचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाहन प्रवास तो चल गुणात्मक भी है, और आघात तो जो होने की भी संभावना है, क्योंकि वो उठाएगा कुछ वस्तु, उठाएगा कुछ तो चीजें करेगा, है ना। हाँ, तो हाँ अनुबंधक सर, ऐसा कोई लक्षण दूसरा दिखता है क्या, वो देखो। और उसके हिसाब ही करो। उपक्षय अनुपक्षय भी आपको पूछना चाहिए कि आपने तेल लगाने के बाद आपको अच्छा महसूस होता था क्या, गर्म पानी लेकर अच्छा महसूस होता है क्या, ये भी पूछो, है ना। ठीक है सर, हाँ, सभी एंगल से केस पूछना तो हमें पता चल जाता है, एक एंगल से कभी भी गलत हो सकती है केस। हाँ ठीक है ना। हाँ सर, केवल लक्षणों के आधार पर हम दोष निश्चित नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ध्यान रखो, केवल लक्षणों के आधार पर हम दोष निश्चित नहीं कर सकते। मतलब क्या, किसी पेशेंट ने 5 लक्षण वात के बोल दिए, 7 लक्षण पित्त के बोल दिए और 0 लक्षण कफ के बोल दिए, तो हम
पित्तवातज ऐसे व्याधि नहीं कर सकते निदान, या फिर ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें हेतु कौन से है वो देखने पड़ते हैं। हेतु उस हिसाब से होंगे तो हम वो निदान कर सकते हैं। अगर हेतु अलग ही होंगे तो हम ये परतंत्र व्याधि बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभार हेतु कफ के होंगे पर लक्षण ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये कैसे मिल सकता है? हाँ, ये कफ आवृत व्याधि होते हैं, फिर हमें चिकित्सा कफ की करनी पड़ती है। इसीलिए लक्षण के अनुसार दोषों की तो ये मत करो, क्या मत करो, जज मत करो दोषों को। ठीक है ना। पर अभी आप जो बता रहे हैं तो वो वाहन प्रवास करने के बाद ही होता है और ऐसे से काम करने के बाद ही होता है, इसका मतलब चल गुणात्मक वात वृद्धि है। वात से क्या हो जाता है, वातज शोफ भी हो है। वातज है ना, शोफ के प्रकार वातज पित्तज कफज है ना। तो उसके हिसाब से दशमूल आया है, उसमें पहला ही दशमूल आया है। वातज शोफ निकालो चैप्टर और उसमें देखो, उसमें पहला आया है दशमूल। हाँ ठीक है, तो वो दे दो, देवदार दे दो, ठीक ये कर दो काम। है सर, थैंक यू। और बोलो, दशमूल का तेल बनाओ, क्लिनिक में कॉमन तेल हमारा दशमूल का तेल रहना चाहिए ताकि वात व्याधि में हम दे सकते हैं। हाँ बराबर है कि नहीं? आगे पूछो। पूछो किसी, कुछ कुछ भी पूछना है पूछो। एक केस पेपर ऐसा बनाओ जिसमें सब लिखा होगा आपके, हाँ, पूर्व व्याधि, इतिहास, कौन से व्याधियों का इतिहास है। हाँ 15-20 साल के पहले अगर होगे तो उसका हेतु बल उतना हम काउंट नहीं करते, है ना। तो नज़दीक 1 साल के पहले कौन से व्याधि थे, हाँ उसका विचार होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से उसका निदान होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए डिटेल केस हिस्ट्री लेनी। पूछो, और किसी को कुछ पूछना है? आपके जब जब केस डिस्कशन हो ना, तब रेडी रखो आपके केसेस। हाँ यस चौथु सर, जो है, दो शब्द आए हैं शायद, अभी ये आया, ये क्वेश्चन आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको। शोफ करके भी आया है और चौथु करके भी आया है। तो ये चौथु करके जहां जहां आया है वो वात के संबंध से ज्यादा आया है, और शोफ जो जहां जहां शास्त्र में आया है वो कफ के संबंध से ज्यादा आया है। हाँ? तो ये एक आपके दिमाग में रखना चाहिए। हाँ बोलो। बोलो। पूछो। सिनोनिम श्वेतु और शो, ये भी कॉमन होंगे तो भी ऐसे शास्त्र में आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको दिखाई देगा वो चीजें। हाँ बोलो, पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर 45 ईयर्स की फीमेल में सर हिस्टेरेक्टमी का सर्जिकल हिस्ट्री है 5 ईयर्स पहले, और अब सर उनको रसक्षय के लक्षण मुझे उनमें देखने को मिल रहे हैं कि उनके हृदय स्पंदन क्लम श्रम बहुत ही जल्दी हो जाता है और चिंता अधिक बढ़ जाती है। तो सर इसमें सर जैसे रसवर्धक उपाय या रसवर्धक औषधि देते हैं तब तो सर उतने टाइम उपशय रहता है कि श्रम और क्लम कम हो जाता है, लेकिन सर शरीर का जो व्याधि प्रतिकार का भाव नेटवर्क गया। हेलो। जी सर, हाँ मेरा आवाज नहीं आया था आपको, वापस बोलो वो शरीर का। तो सर शरीर का जो औषधि जब वो सेवन करना छोड़ते हैं तो उसके बाद सर शरीर का व्याधि प्रतिकार का भाव इतना बलशाली नहीं है या शरीर में इतना बल नहीं है कि वो औषधि के इंडिपेंडेंटली अपने विकृति संभाल ले। क्या है, अभी हो गया ना प्रश्न? यस सर, यस सर।
तो ये हिस्टरेक्टोमी होने के बाद क्या हो जाता है, एक आशय ही है बड़ा, स्त्रियों में जो आशय है, तो आशय ही गया। अब आशय गया तो वात प्रकोप होने वाला ही है ना, यदा श्रोतांसी रिक्तानि पूरयित्वा अनिलोबलि, तो क्या होता है वात प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आशय ही गया है, भाव पदार्थ ही गया है, जहाँ भाव है वहाँ अभाव आया है, तो ये वात प्रकोप बहुत होता है। अब ये वात प्रकोप कहाँ जाए, उसको तो जाना है ना, वात बढ़ गया तो कहाँ तो जाएगा, तो कहाँ जाएगा उसकी, उस शरीर में जो धातु दुर्बल है उस धातुओं में जाने की शक्यताएं हैं, विमार्गम होके मध्यम मार्ग में जाने की शक्यताएं हैं, बाह्य मार्ग में जाने की शक्यताएं हैं, कहाँ पे जाने की शक्यताएं उस वात को, तो उसको जैसे संप्राप्ति मिलेगी उस प्रकार से वो जाएगा। अब ये बोल रहे कि उसकी जो जो वात प्रकोप है वो रसगत गया, और फिर उनमें बहुत दीनता आ गई, थकावट महसूस होती है, कुछ भी दवाई अगर नहीं रही तो जल्दी बीमारी पड़ती है ना, ऐसी चीज़ें होती है ना। हाँ, तो उसकी उम्र कितनी है बोले 45, तो पहले से ही वो अभी वात के वय में गई है। अभी तो मेनोपॉज जल्दी आती है, तो वात का जो वय है वो पहले के ज़माने में था उतना नहीं, अभी जल्दी आ रहा है ना, तो पहले से ही ऐसा है। अब ऐसे लोगों को नित्य रसायन, हाँ, अगर वो उसका खान पान देखो तो उसको नित्य मधुर रसात्मक द्रव्यों का सेवन नित्य करना चाहिए, तो आप शतायुगकल्प का प्रयोग करो नित्य, हाँ, नहीं तो गाय का घी नित्य सेवन करो, और ये नित्य करना चाहिए। क्यों नित्य करना चाहिए, क्योंकि अभी ये वात के वही में आई है, जब जब आप रसायन वो बंद करोगे उसको थकान महसूस होगी। कैसा होता है, पेशेंट ने ऐसा रसायन शतायुगकल्प लिया नहीं रहता है कभी, और जब वो लेता है तो बहुत उसको अच्छा महसूस होता है कि अरे मुझे बहुत अच्छी ताकत आ गई, फ्रेश लग रहा है, और जो बंद करने के बाद क्या हो जाता है, झट से उसको कई दिन में के बाद झट से लगता है वो अच्छा था जब मैं ले रहा था, और थकान महसूस, वो वापस लेने लगता है। तो अच्छी बात है ना, रोज अगर वो कुछ रसायन ले रहा है पेशेंट रुग्ण, तो अच्छी बात है ना। रही बात उसकी धातुओं के बल की, वो पहले से बढ़ाना चाहिए, वो अभी बढ़ा कर क्या फायदा है ना, वो पहले से बढ़ाना चाहिए। धातुओं का बल बढ़ाना ये बहुत से अलग 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 फैक्टरों पर डिपेंड है, उसकी दिनचर्या पर डिपेंड है, वो क्या खाती है, क्या पीती है, कब उठती है, इसके इससे लेकर ऋतुचर्या से लेकर उसने शोधन का कितनी बार किया है पूरे लाइफ में, ये सब पर ऊपर है, डिपेंड है उसके धातु कितने बलवान है। तो आप अभी क्या हम कर सकते हैं, अभी उसको रसायन, नित्य रसायन दे सकते हैं, हाँ, ब्रूहण द्रव्य दे सकते हैं, जिसका जिससे उसके धातुओं का बल बढ़े, हाँ, रस धातु बढ़े, ठीक है ना। तो ये नित्य चालू कर दो, रोज शतावरी कल्प लेना, नहीं तो रोज गाय का घी लेना, ऐसे चालू कर दो उसको, ताकि जो वो है वात प्रकोप वो कम हो। दूसरी बात, हिस्टेक्टोमी की है, उस स्थान की भी चिकित्सा होनी चाहिए, वो स्थान वात का है, वहाँ हुआ क्या है, वात वृद्धि हुई है, तो उसको एटलीस्ट बस्ती होनी चाहिए उसके, उस पेशेंट में, तो अगर वो ले सकती है तो बस्ती के कोर्स कर दो उसके, ठीक है ना। और उसको बोलो कि हर साल आपको बस्ती लेनी ही लेनी है, वर्षा ऋतु में, तो उसको ऐसे भी बोल दो, और ये सब उसको बोल दो कैसे वात प्रकोप होता है, फिर ऋतु के अनुसार होने वाला वात प्रकोप सामान्य लोगों में और आप में ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपका गर्भाशय निकाला है तो चांसेस ज़्यादा है ना। तो ये सब उसको एक्सप्लेन करो, और हर साल उसको बस्ती लेने बोलो, रोज नित्य अभ्यंग करने बोलो, ये सब वात के उपक्रम आप करने पड़ेंगे, वात तो वय के अनुसार बढ़ने ही वाला है, पर अगर ये सब उपक्रम करोगे तो जिच्चो बढ़ने की उसकी स्पीड है, गति है, वो कम हो जाएगी, है ना। यस सर, यस सर। तो उनको बोलो, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ दवाई बंद करने के बाद वो उसको फिर थकान, दवाई मत समझो बोलो उसको, ये रसायन है ना। उसको बोलो ये नित्य लेना है, शतायुगकल्प नित्य लिया तो क्या किसका बिगड़ता है, किसका भी नहीं बिगड़ता है ना, जैसे गाय का दूध पीते हो तो वैसे दूध में डालकर पियो, है ना, वैसे पीने के लिए बोलना। रक्तातुवर्धन के लिए प्रशस्त या अग्रे हम कौन सा रसायन देख सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश है, शताब्दी कल्प है, इनसे इनके अलावा सर कोई और है क्या? च्यवनप्राश श्वास की बीमारियां उस एंगल में जाता है, हाँ, यस सर, और यस सर। हाँ उस एंगल में जाता है। अभी क्या है, उसको रसायन की जरूरत है, रसायन की जरूरत है मीन्स क्या, उसको मधुर रस की, शीत वीर्य की, स्निग्ध गुण की जरूरत है, क्यों, क्योंकि उसका वात प्रकोप हुआ है, हाँ, और वात प्रकोप कौन से गुण से हुआ है, सभी गुणों के हुआ है, क्यों, क्योंकि आशय ही निकाला गया है, ठीक है ना।
तो सभी गुणों से हुआ है, ऐसा वात प्रकोप है। तो सभी गुण अगर वात के ये करने हो तो हमें मधुर रस जो है वो श्रेष्ठ द्रव्य है ना, जिसमें मधुरता है, जिसमें स्निग्धता है, जिसमें गुरुता है, तो ये सभी गुणों से वात का शमन करेंगे। सिर्फ आप दशमूला रिष्ट दोगे तो उष्ण गुण से करेगा, बाकी के गुण कौन कॉम्पेंसेट करेगा, बराबर है ना? समझ में बात आ रही है कि मेरी? हाँ, तो हमें सभी गुणों से वात शमन करना है, सभी गुणों से करना है, तो ये करना पड़ेगा, ब्रूहण ब्रूहण से करना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए इसको ये चिकित्सा है। और नित्याभ्यंग करना बोलो उसको, बस्ती का मैंने बोला वो करना बोलो, तो ऐसे करोगे तो बोलना कि आपका ट्रिगर नहीं इतना बैठेगा वात के रोगों का, तो बोलो पेशेंट को ऐसे। और बोलो, हो गया प्रश्न का समाधान? आपको अगर लग रहा है कि नहीं समाधान हुआ तो बोल दो, क्योंकि आपका पूरा समाधान होना चाहिए, है ना? और शास्त्र में वर्णित जो रसायन है उसका हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि रसायन सेवन के कुछ नियम है, तो उसमें सद्वृत्त पालन ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना? तो वो होता नहीं हमसे, ना पेशेंट से, ना किसी से। तो हमें रसायन सम फल मिलते हैं, रसायन के फल नहीं मिलते, तो उतने है ना? ठीक है। कोई च्यवनप्राश खा के तरुण हुआ देखा है क्या आपने? नहीं हुआ है ना? हुआ है किसी ने देखा है कि मैंने दिया था किसी 60 के पेशेंट को और एकदम 40 के जैसा लग रहा है? नहीं होता है ऐसा। तो वर्ण शास्त्र में तो वर्णित है, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रसायन के नियम नहीं हम फॉलो करते, रसायन के नियम उसमें रसायन अध्याय में दिए हैं, तो वहां से सत्य बोलना इधर से लेकर वो सब नियम है, और ये नियम नहीं होते फॉलो, ठीक है ना, इस युग में। तो वो छोड़ दो, रसायन सम जो हमें फल मिलेंगे वो उतने अपेक्षा करेंगे हम, है वो अपेक्षा करेंगे और खाएंगे रसायन। और गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर मेडल तो मिलेगा हमें, है ना? ऐसा है, ठीक है, पर मेडल मिलना इम्पोर्टेंट है। और पूछो। और किसी को कुछ पूछना है पेशेंट के बारे में, मराठी में पूछ सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हो, संस्कृत में पूछ सकते हो, पूछो। कौन सा था अभी, क्या पूछा आपने, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, रसायन का। और पूछो। हेलो। हाँ बोलो, बेचारा हाँ अभी बैठ। सर, एक किचड़ी आवाज येते? हाँ बेचारा, हाँ विचार, पूछो। हाँ सर, 41 वर्षाचा मेल पेशंट आहे। हाँ, त्याला मूत्र सांद्रता आहे सध्या, आणि तो हायपर टेन्शनचा पेशंट आहे सर। सध्या स्टॅम्लो 25 थ्रू आहे त्याला मेडिसिन मध्ये। आता मल सम्यक आहे, क्षुधापण सम्यक आहे सर, पण चिडचिड करतो पेशंट, आणि प्रोटीनुरिया पेशंट याच्यामध्ये लॅब इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये डिटेक्ट झालेला आहे सर, आणि त्याला फिरतीचा जॉब आहे सर, असं आहे, आणि चिडचिड करतो सध्या, आणि आणि त्या आहारामध्ये लक्ष। कटू हा कटू जास्त सेवन करतो मधुरपेक्षा सर। आता काय अशा त्रास वेळेस आहे? हा आता सर अंग मूत्रदाह आहे का? गळल्यासारखं वाटतं। मूत्र सांद्रता आहे सर 10 पेक्षा, 10 कमी कधी कधी होतो असं कधी कधी पेशंटला। होतोय मूत्रदाह? आणि मल प्रवर्तन कसं आहे? मला प्रवर्तन सम्यक आहे पेशंट सांगतो अर्श सर, बिर्शन आहे आणि ना, जिव्हा रक्ताचा आहे अर्श किंवा काय? अर्श। नाही नाही सर, अर्शाची हिस्ट्री काही सापडली हां, नाही तसं, स्वेद बाकी कसा आहे, विचार। घामाचं प्रमाण कसं आहे? स्वेद जास्त येतो सर त्याला, स्वेद प्रवर्तन। स्वेद जास्त आहे। आणि भूक कशी आहे? भूक सम्यक आहे सर सध्या।
कमी नाही आधी होतो तो त्रास त्याला, कशाचा? म्हणजे कधी भूक लाग कमी कमी जास्त लागायची प्रमाण असा, पण आता व्यवस्थित आहे, महिना 1.5 महिना झाला आहे त्याला. आता फक्त चिडचिडेपणा आहे त्याचा. हो चिडचिडपणा आहे सर, आणि 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 फिरतीचा जॉब आहे सर, फिरतीचा जॉब आहे. आणि आणि कधी कधी जागरण होतो असं सांगतोय पेशंट. अजून तो आता कशासाठी ट्रीटमेंट त्याला घ्यायची आहे? आता सर अंग गळल्यासारखं वाटतं त्याला भरपूर. आता वजन त्याचं किती आहे? कमी आहे? हो सर, आता 4 किलोनी वजन कमी झालेलं आहे त्याचं. ठीक आहे. तो इनका जो पेशंट है 41 ईयर का मेल है, और वो तीखा ज़्यादा खाता है. तीखा और तीखा के साथ और भी कुछ खाता होगा. तीखा स्पाइसी नॉनवेज खाता है क्या? नॉनवेज खाता होगा, हो सर तीखा खाता होगा. स्पाइसी. हाँ, और उसका जो जॉब है वो घूमने का जॉब है, इधर उधर घूमने का जॉब नहीं, ट्रैवलिंग ज़्यादा है. और मल प्राकृत है बोल रहे हैं, और मूत्र में क्वचित दाह कभी कभार दिखता है. स्वेद प्रवर्तन ज़्यादा है. अग्नि जो है ठीक है, लगती है भूख उसको. ठीक है, अब हो गया. अब इसके हेतु अगर निकाले हमने, तो घूमने का जॉब है, उसका खान पान देखा, हाँ ये सब देखा, और ये सब लक्षण के अनुसार ये जो पेशेंट है वो वात का चल गुण, हाँ, और पित्त के उष्ण गुण का पेशेंट है. ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये दो गुण से जो है शरीर में, शरीर थक जाता है जल्दी, हाँ, शरीर में बॉडी पेन रहता है, हीट महसूस होती है. अगर ना खाए तो बहुत ये होता है कि कब कब मैं खाना खाऊं, होता है ऐसे पेशेंट को? हाँ, लंघन कर सकता है वो पेशेंट? नहीं सर, जस्ट लंघन हाँ, करू लंघन शकत नहीं नहीं. कर सकता वो. हाँ, क्योंकि ये शुदा जो प्राकृत बोल रहा है, प्राकृत नहीं, उसकी शुदा, उसकी शुदा बहुत अच्छी है. ठीक है, और देखो शुदा भी है, और स्वेद प्रवर्तन भी है, और मूत्र में भी दाह क्वचित दाह दिख रहा है. इसका मतलब पित्त के लक्षण ज़्यादा है. हाँ, ठीक है ना, अभी मैं आपके जितने इनपुट है उसके मुताबिक बोल रहा हूँ. तो ऐसे पेशेंट को हमें जो दवाई देनी है वो क्या क्या देनी है? मंद गुण की दवाई, शीत गुण की दवाई, ब्रूहण करने वाली दवाई. इसमें धातु धातुओं की पाकावस्था आई रहती है. ये जो अग्नि महाभूत है वो रस से 7 हर 1 धातुओं में चला रहता है, और वहाँ वहाँ उसका पाक चालू होता है. तो जब जब खाना नहीं मिला तब तब धातु पाचन होता है, और थकान महसूस होती है पेशेंट को. तो ऐसे पेशेंट को जो दवाई देते हैं वो देते हैं मंद गुण की, हाँ, फिर शीत गुण की, स्निग्ध गुण की, ब्रूहण करने वाली. ऐसी दवाई अगर दिए, मंद गुण क्यों चाहिए? क्योंकि उसका अग्नि पचाना चाहिए ना, उसको टाइम मिलना चाहिए. तो मंद गुण चाहिए, शीत गुण चाहिए, और ये गुण चाहिए. तो इस गुण का जो है आप घृत प्रयोग कर सकते हो, और दवाइयों में आप गोक्षुर यूज़ कर सकते हो, दवाइयों में आप यष्टि यूज़ कर सकते हो. हाँ, उसको क्या बोलना कि जेव्हा जेव्हा त्याला भूक लागेल त्या त्यावेळी त्याने साळीच्या लाह्या खायच्या, हां, असं त्याला सांगायचं. म्हणजे त्याने डबा ठेवायचा तसा, हां, साळीच्या लाह्या खायला, हां, हो सर, तसं तसं पथ्य त्याला सांगितलं आहे मी. द्यायचं त्याला. आणि त्याला जे जे द्याल, ते गव्हाची खीर, हां, गेहूं की खीर, भस्मक रोग में जो जो बोला है ना, हां, उस प्रकार की ब्रूहण करने वाला, मंद करने वाला, हां, ऐसे द्रव्य उसको देने चाहिए, और घर के ही, घर से ही बनाए हुए, हाँ, ऐसे द्रव्य दे तो काम चलेगा. और ये सब उसका ग्रहण होने के बाद फिर उसको उसके रस रक्त धातु पर काम करो, और बाकी के धातुओं पर काम करो. पर ये चालू करना चाहिए. और जो दवाई दे रहे हैं आप उसमें चंदन, उशीर, ये दवाई है वो भी उसमें ऐड कर दो. ठीक है, तो पहले पित्त को ये करो, और बाद में वात ऑटोमेटिक ये हो जाएगा. स्निग्ध गुण से पहले पित्त पर काम करो. ठीक है. और कुछ हेतु उनके चालू हुए तो बंद कर दो. ठीक है, देखो पेशेंट बोलता है कि मेरी भूख कम है, स्वेद ज्यादा है, तो अग्नि का भी मार्गमन है. हाँ, पेशेंट बोल रहा है मेरी भूख भी ज्यादा है और स्वेद प्रवर्तन नहीं है, तो ये अवरोधजन्य, कफ अवरोधजन्य है. हाँ, पेशेंट बोल रहा है मुझे भूख भी ज़्यादा है, स्वेद प्रवर्तन ज़्यादा है, मूत्र में भी दाह उत्पन्न हो रहा है, तो ये पित्त वृद्धि है. हाँ, पित्त का गामित्व है अलग अलग जगह. तो गामित्व कौन करेगा? ये प्रवास करने वाला वात करेगा, है ना?
तो इस प्रकार से वात अगर पित्त युक्त हुआ तो वो दाहादि लक्षण बढ़ाता है, कफ युक्त हुआ तो शीतादि लक्षण बढ़ाता है ना। ये वात का योग वही काम है, उसका प्रवास जो है वो उसका जो हेतु है रुग्ण का वो प्रवास है, वाहन है, तो ये वात गुण का प्रवास वात गुण का हेतु है न? और खाने के हेतु जो है वो पित्त गुण के हैं। हाँ, दूसरी बात, वो तीखा खाता है, तीखा जो गुण है वो तीखा जो रस है वो क्या है, अग्नि और वायु बढ़ाने वाला रस है ना। इसका ये जो ट्रीटमेंट ही उसके पीछे के यस सिद्धांत। हाँ, तो ये जो है वो अग्नि और वायु बढ़ाने वाला गुण है। ये अग्नि और वायु बढ़ाने वाला मीन्स आशुकारिता रहती है इनमें, खाना नहीं खाए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कब कब मिलेगा खाना, ऐसे होते हैं। तो गोधूम, ये देखो ये गुरु गुण का है, मधुर रस का है, भ्रूण करने का है, ये इनको अच्छा लगता है। हाँ, तो गेहूं की रोटी देना, गेहूं का फुलका देना, ये उनको देना। हाँ, जो खीर बताई है वैसे खीर बनाओ, हाँ गेहूं की वो खीर दे दो उसको, उनको ऐसे देना है उनको, ठीक है, ताकि एक बार पेट भर गया ना तो जल्दी भूख नहीं लगती गुरु गुण के कारण, फिर उसको लेट भूख लगती है, तब तक उसका अग्नि बिजी रहता है वो पचाने में, और मधुर ही रहता है तो धातुओं का भी पोषण होता है, ऐसे करना। और बाद में जब शरद ऋतु आए तब शरद ऋतु में उसको रक्त मोक्षण करने बोलना। ओके। यस सर। और बोलो, देखो ट्रीटमेंट सिंपल रहती है, उसके पीछे के सिद्धांत तो बहुत महत्व, मैंने ये क्यों दिया इसको डिफाइन करते आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं रहता। और वायु को अगर पित्त के वायु को रुक्ष गुण से और चल गुण से बढ़ा हुआ वायु को अगर पित्त का उष्ण गुण अगर योग मिला तो बहुत आशुकारिता हो जाती है, एकदम स्पीड में हो जाता है व्याधि, आज इतना बॉयल है तो दूसरे दिन दो तीन चार पांच बॉयल आ जाते हैं। हाँ, ये आशुकारिता वायु के सहचरत्व से मिलता है, नहीं तो पित्त क्या करेगा अकेला। ठीक है ना, ऐसे। और तो धूप में घूमने वाले लोग, बहुत वाहन प्रवास करने वाले लोग और तीखा खाने वाले लोग, ऐसे अगर कॉम्बिनेशन हेतु में हुआ, MR रहते हैं ऐसे घूमने वाले लोग रहते हैं, इनमें अगर त्वक विकृतियाँ आ गई तो बहुत कठिन हो जाता है उनको ठीक करना, क्योंकि हेतु वर्ज्य नहीं कर सकते वो, प्रवास तो उनको करना ही है, बाहर का खाना तो खाना ही पड़ता है, बहुत कठिन होता है ऐसे लोगों का अगर तो त्वचा विकृति हो तो दूर करना। हाँ, अगर दूसरी कुछ व्याधि हो गई तो भी आशुकारिता आई आई जाती है, अगर उसमें उनमें व्रण हो तो पाक जल्दी हो जाता है। हाँ, तो उस प्रकार से पित्त जो है वो मांसगत हो जाता है, और कोथ मांसदाह ऐसे संप्राप्तियाँ होकर वो व्रण भी बढ़ जाता है, तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो आहार है वो मधुर रस युक्त शीत ऐसा मधुर रस युक्त स्निग्ध ऐसा आहार होना चाहिए, ताकि पित्त शमन होए और वात शमन हो। ऐसा। और बोलो। पूछो। और कोई प्रश्न है क्या? और किसके बारे में कौन से कंसेप्ट और क्लियर होने चाहिए, कौन से विषय में लेक्चर रहना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि वो विषय अभी उस विषय के बारे में छुआ नहीं, या फिर किसी ने छुआ नहीं, या फिर वो विषय जो है वो अंडरस्टैंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई विषय आपको लग रहा है, उस विषय में हम एक आधा लेक्चर कभी लेंगे। सर जीर्ण वगैरह थोड़ा सा प्रकाश टाकला, जसं आमा जीर्ण वगैरे मध्ये आता बरेचसे पेशंट आहेत, तर विष्टब्दा जीर्णाचा आहे का? कधी कन्फ्युजन खूप जास्त होतं सर, प्रॅक्टिकल बघितलं असते ना गेलं विष्टब्दा जीर्णाचं आणि पोट त्याला फुगतं, लंगन जातं.
हाँ हा पोट फुगतो, सरपणा, हाँ विदग्ध जीर्णाचा कधी तृप्ण दिसतो, पण आणखी काही लक्षणं घेऊन येतो सोबत, तर आहे की असं प्रॅक्टिकली आपल्याला कसं करणार त्यामध्ये हाँ सोबत आणखी पण बाकी लक्षणं घेऊन येतो तो. तर विदग्ध जीर्णाचे आता तृष्णा आहेत किंवा भ्रम आहेत, यामधून एकच लक्षण घेऊन येतो कधी कधी. पित्त से जो उत्पन्न अजीर्ण है उसमें बरोबर. वमन करना है। तो उसमें रहता सर है ये आता कि वमन हाँ, प्रत्येक पेशंट मध्ये तर देतात वमन नाहीत, तर मीन्स अशा ये वेळेस वमन, आता ये नहीं है, ये वमन वो नहीं है जिसमें हम स्नेहन करें, विरेच, ऐसा वाला वमन नहीं है। अगर उत्क्लेश अवस्था ऊपर की ओर आ रहा है दोष, तो उंगली डाल के वमन करना है, या फिर लवण जल दो और उल्टी कराओ, ऐसा वमन है, सद्य वमन है, ठीक है ना। दोष जो है वो शरीर के, शरीर जो है वो दोषों को बाहर, अगर बढ़ गया तो बाहर ही निकलता है। हाँ, हमें सिर्फ क्या करना है, पुश करना रहता है, ठीक है ना। आमा जीर्ण हो तो लंघन करना है। हाँ, पेशेंट बोल रहा है, बाबा मैंने कल इतना खाना खाया, ऐसा ऐसा खाना खाया, अभी मुझे ये लक्षण महसूस हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा खट्टी ढकार थोड़ी आ रही है, जलन महसूस हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि, पेशेंट ही बोलते कि ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है, तो उनको बोलना है लंघन करना है। ये ओपड़े लेवल पर होने वाली ये है। हाँ, पेशेंट घर में ही करते हैं। पित्त प्रकोप जन ने कुछ खाया और उसमें से अगर हो गया तो ये सब पित्त के लक्षण दिखते हैं, उसमें द्रव गुण बहुत बड़ा रहता है, और ऑलरेडी वो बोलता है कि खट्टे ढकार आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। हाँ, तो उनको बोलना है कि उंगली डाल दो, निकलते इतने, तो ऐसे निकलते पेशेंट, हरा हरा जो लिक्विड जो है वो निकालने वाले लोग हैं, तो वो रहता है, और पेट फूल जाता है कईयों का अजीर्ण में। और उसमें सिंपल, आपने नहाते समय, रोज पेट फूलने वाले लोग हैं, तो नहाते समय जब व्यंग करते हो तो पेट में, पेट पर भी ऑयल लगाओ और गर्म पानी से सेको, तो उससे वो जो फूलना, पेट फूलना जो है वो कम होते हैं, कम होता है। हाँ, अगर वो बस्ती नहीं लेना चाहता, क्यों, बाकी कुछ चीज़ें हैं, तो नित्य अभ्यंग करते समय वो चीज़ें करनी, बोलनी उनको, तो पेट फूलता नहीं, ठीक है ना। वात प्रकोप जैसे पैरों पे होता है, संधि में होता है, इसमें होता है, उसमें होता है, वैसे पेट में भी हो सकता है ना, होता है। तो अभ्यंग पूरे शरीर पर करना है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। वही अजीर्ण अगर बार 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 हुआ तो फिर आम्ल पित्तता आ जाती है, जो कोष्ठ है कितनी बार आम्ल हो जाएगा, है ना, तो उसको वही खराब हो जाता है आमाशय, और उसमें ऐसी चीज, ऐसी अवस्था आ जाती है कि कोई भी अच्छा खाना खाए तो वो सड़ जाता है ना, आम्लता आ जाती है। आम्ल गुणोर तिक्तम पित्तम आम्ल पित्तम, तो ये आगे आगे की चीज़ है, फिर उसके आगे व्याधि है, अलसक है, विसूचिका है, विलंबिका है। तो पहले अजीर्ण, पहले स्टेज में होने वाला है अजीर्ण, तो ये लंघन साध्य व्याधि है ना। और अजीर्ण के कारणों में अगर आपने देखा, बहुत अलग अलग कारण है। माधव निदान में आप अध्याय आपको मिलेगा, बहुत अलग अलग कारण मिलेंगे। उसमें वेगावरोध आता है, ये भी आते हैं, तो वो भी देखो, वो एंगल हम कभी देखते नहीं, तो वो भी हो जाता है कभी। और रात को पेशेंट खाने खाने के बाद उसको लग रहा है सुबह बहुत ऐसा नहीं महसूस होता कि फ्रेश नहीं लग रहा है, रात का खाना तो भी फिर भी है, तो उनको बोलना कि सुबह मत, कुछ भी मत खाओ, सिर्फ हरित की चूर्ण और शुंठी चूर्ण, हाँ, और उसमें थोड़ा सा इंदौर भी डाल दिया तो भी चलता है, हरित की और शुंठी, ऐसा सुबह खाना, रोज खाना, ऐसे बोलना, तो एक कई दिनों के बाद वो सुबह का जो खराबपन महसूस होता है कि रात का खाना पचा नहीं, तो वो महसूस नहीं होता उसको। तो ऐसे करना, ऐसे कुछ युक्ति प्रमाण से उसका अजीर्ण ठीक करना, ठीक है। हेलो, तो सर आइकते हैं. अच्छा, और किसी को कुछ प्रश्न है?
हेलो सर, बोला, एक मिनट। हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बीच बीच में सर ऊंची फोन, आवाज देखो थी। हाँ हाँ फोन आ रहा है मुझे पेशेंट का, एक मिनट में उसका फोन उठाता हूँ और आपको ये करता हूँ। वो बार बार कर रहा है मुझे कॉल। हेलो हेलो, हाँ मी एक स्वतः हूँ, तुम्हाला 10 मिनटांनी फोन करतो। बरं हाँ अभी आ रही है आवाज, बोलो अभी बोलो। सर, एक पेशेंट है, वो नॉन डायबिटिक है। एक्चुअली वो हमारे फ्रेंड सर्कल में, इसके लिए वो कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेते, हमेशा वो एलोपैथी ही लेते हैं कुछ भी चीज के लिए। पर उन्होंने कल ऐसे ही मुझे बोला कि हम जैसे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे दो उंगलियां ही हिलती है। लाइक बहुत बार ऐसे हुआ, लेकिन अभी मुझे नींद में भी हिलने लगी है राइट हैंड की। और उनका जो लाइफस्टाइल है ना, पूरा संतर्पण जन्य, कुछ भी, मतलब खाना पीना पे कुछ भी कंट्रोल नहीं है। पानीपुरी ऐसे कुछ, डायबिटीज है अभी, वो भी अनकंट्रोल है। लाइक जैसे कि मेडिसिन ले रहे, फिर भी उनको डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। ज्यादा है। हाँ, मेडिसिन है उनको, बहुत साँसे है वो, और अभी उनको एक प्रॉब्लम हो रहा, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, और उंगली हिलने की। न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको फिर अभी MRI सब कुछ बोला है उनको करने के लिए। तो और उनको उनको एंटीडिप्रेसेंट भी दे दिया है। लास्ट अभी उन्होंने बोला कि लास्ट मंथ भी उनको इसके लिए कि स्ट्रेस है क्या आपको, तो वो ऐसे कुछ इतने स्ट्रेस लेने वाले नहीं है, पर उन्होंने ऐसे वो सही से जवाब भी नहीं देंगे कि स्ट्रेस है क्या। तो मैंने उनको बोला कि इस चीज के लिए एंटी डिप्रेशन लेना ठीक नहीं है। उनको वन अभी मंथ क्या के वो लिए दिया था इतना, लास्ट में। अभी इतना वो ले रही है, अभी उसमें एक एंटी डिप्रेसेंट ऐड हो गई उसमें, क्या अभी है ना। हाँ सर, तो मैं वही पूछ रही थी उनको कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। ये ऐसे पेशेंट पर वो होने जो सर वाले नहीं मुझे होते पूछना मुझसे। था कि ये जो दो ही फिंगर हिल रहे हैं, तो बाकी तो उसको कुछ लक्षण भी नहीं है, देखो तो शरीर इसमें में, अभी बात। हाँ शरीर में जो वात है वो नित्य संचारी अवस्था में है। हाँ हमारे अभी हम बातें हाँ कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अभी वात की गतियाँ चल रही है, नित्य चल रही है। पर हमें फील होती है क्या, हमें महसूस होता है क्या कि वात ऐसे हनु में आ गया है, मेरी हनु बोल रही है, जीवा बोल रही है, सब महसूस होता है गति? नहीं महसूस होती, बराबर है ना। कुछ भी महसूस नहीं होता है। वात की गति होती है महसूस, क्या अरे वात अभी गया, अभी जा रहा है, हाथ में जा रहा है या पेट में जा रहा है, ऐसा होता है महसूस? नहीं होता। हाँ क्योंकि वो गति कैसी है, बिना रुकी बिना चली ऐसी गति है। हाँ तो इसमें अगर अवरोध उत्पन्न हो गया, अगर वो गति में कुछ प्रॉब्लम हो गए, तो वो गति दिखती है, गति महसूस होती है। जैसे वात माउस में गया तो चींटियाँ जैसे चलती है वैसा महसूस होता है। हाँ अब कहाँ से महसूस होगा ये चींटियाँ चलती है, वात की गति महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पाथवे है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए तो वो दिखाने लग, हमें दिखाई पड़ता है कि कुछ हो रहा है गड़बड़। अब ये उंगलियां हिल रही है, वात की गति दिख रही है ना आपको? जैसे वो दिखनी नहीं चाहिए पर दिख रही है ना। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, वात पर ही काम करना चाहिए। पर अभी दवाइयाँ इतनी उसकी चालू है, किस दवाई से क्या हो रहा है वो बहुत एक संशोधन का अलग विषय होता है, ठीक है। पर हमें काम जो करना है वात पर काम करना है ना, तो उस प्रकार से करो। अवरोधजन्य, हाँ अवरोध लाइक जन्य रहती दशामुख है। जैसे भी दे दिए, और कोमल आपको अगर पेशेंट विलोमल आपने ये कर विचलन। दिया ना कि ये संतर्पण जन्य अपतर्पण जन्य, संतर्पण जन्य है तो आपकी चिकित्सा अवरोध जन्य ही होनी चाहिए ना। हाँ हाँ सर, तो इस प्रकार से उसको कम करो, काम करो। एक 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 उसको क्या चाहिए ऐसे पेशेंट में, आपके तरफ उनका विश्वास चाहिए, उनको लगना चाहिए कि वो क्या करते हैं, अभी एलोपैथी कुछ नहीं कर पा रहे, अभी देखो आप क्या कर सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ तो वही हम तो मैं जादूगर थोड़ी अब है ना, आयुर्वेद ऐसा थोड़ी, अभी हो गया, अभी बिल्डिंग को पूरी आग लगी, अभी इसके फ्लोर को ही आग लगनी है, नीचे तक आ गई, अभी कर दो काम, अभी जरूरत नहीं ना, पहले ही आपको बुलाना चाहिए था फायर ब्रिगेड को। नहीं तो नहीं वो मेरी बात हो चुकी थी सर, क्या एक साल होगा, पहले ही आप मैंने उनको बोला आपके था। वो ये लेगी ओपिनियन, लेगी ट्रीटमेंट, लेगी फिर बोलेंगी ठीक है, अभी उनका भी साइड, हमारा रोल वो साइड में, वो ही डिसाइड करते हैं साइड बाय साइड, है ना। तो उसका कुछ फायदा नहीं होता। हाँ
उनको बोलो ऐसा ऐसा, हाँ अगर पूरा आपको सुनना है, अगर ये जो दवाई खा रही है 7-8 दवाई, उसमें से अगर कुछ कम करने की आपको लग रहा है कि कुछ कम कर सकते हैं, ऐसा आपको आपको करने, क्योंकि पेशेंट को ही नहीं करनी रहती है कभी कभार दवाई कम, तो हम क्या करें, जबरदस्ती है ना, ऐसा है, चल रहा है चल रहा नहीं दो, ऐसा है। तो सर इस मतलब ये जो है अभी वात का चल गुणा वो अवरक्त से हुआ है तो बढ़ गया है, तो इसमें हम उष्ण चिकित्सा ही करेंगे ना, लाइक जैसे कि अवरोधजन्य है अब तो इसको, उष्ण हाँ बोलो, लाइक दशामूल जैसे हाँ द्रव्य का कर अनुलोम सकते हैं, करने कर के सकते लिए, हैं। दशामूल सुन्ठा ऐसे, जैसे मैं पूछ रही हूँ हाँ सर बराबर क्योंकि है वो ना, पेशेंट आ रहे बराबर है ना, हाँ कि हमें अगर कोई हमारे मन में ऐसे कोई हमारे पास नहीं आया हाँ तो बराबर भी है ना, हमारे किसी ने हमें पूछ लिया कि ऐसे हुआ तो हमारे दिमाग में वो शुरू होता है कि ये हाँ किस किसका है, क्या है इसके, अभी इसका वात कौन से गुण से बड़ा है होगा और इसमें क्या हम देखो, चिकित्सा कंप देंगे जो ऐसे है वो हमारे मन में वात का शुरू हो जाता है। आत्मलिंग, कंप जो है वात का लक्षण है, ठीक है ना, हाँ सर तो वो क्या क्लियर कट है चीजें, है ना। पर अभी इसमें वात प्रकोप होने वाली क्या है, वो अपदर्पण जन्य है क्या, वो पेशेंट नहीं है। नहीं हाँ तो अब ये वात प्रकोप जो है वो दवाई खा रही हो, दवाइयों के विषय से भी हो सकता है ना, ऐसा विचार भी करके हो सकता है। हाँ गलत उपक्रम व्याधि के होने के कारण का भी वात प्रकोप हो सकता है, और ऐसे ये और मार्ग अवरोधजन्य ऐसे भी हो सकता है। अभी आम से आवृत्त भी वात प्रकोप है, हो सकता है, वो भी रूल आउट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर है ना, बहुत से उनमें क्या रहते हैं, एंगल रहते हैं ना ऐसे पेशेंट में, ऐसे है, हाँ क्योंकि सर एक एक थैंक यू एक सर एक गोली वो खा रहा है, एक एक गोली शरीर में परिणाम कर रही है, तो उसका कार्यकारण भाव भी हमें कैसा पता चलेगा, ऐसी चीज़ है ना। ऐसा है। हाँ सर वो तो पूरा हम जब पूरा हिस्ट्री लेंगे तभी पता चलेगा, पर कभी कोई ऐसे बोल दिया तो हमें पता होना कभी चाहिए कि कभार ऐसे ऐसे क्यों होता है पेशेंट और ये हम क्या पूरे ऐसे फल चीज़? फल के जैसे रहते हैं, बाहर से फल एकदम अच्छा है और अंदर से पूरा सड़ा हुआ फल है, ऐसा हो जाता है पेशेंट के बारे में, है ना। हाँ सर ऐसा है। और अभी आज एक पेशेंट आया था मेरे पास, और उसकी सभी कंप्लेंट और ये सब देख के वो आया था, उसको क्रिएटिनिन कम करना था, 4 था उसका, और अभी जो एलोपैथी की दवाइयाँ चल रही है उसके 4-5 दवाइयाँ दे रहे थे डॉक्टर ने दी थी, तो उसको क्या है, क्रिएटिन कम ही नहीं हो रहा था उसको, इसीलिए आया था मेरे पास क्रिएटिन कम करने के। अब क्रिएटिन कम करने के लिए कहाँ दवाइयाँ हैं हमारे पास, है कि नहीं, तो डिटेल केस हिस्ट्री ली, अब उसके देखा तो उसको गुददाह है, क्वचित मूत्रदाह है, ऐसे सब कुछ लक्षण दिख रहे हैं, और वो उसमें वेगावरोध और ये सब चीज़ें दिख रही है, तो अपान वायु की दुष्टि दिख रही है, और पित्त वृद्धि के हेतु उसके दिख रहे हैं, वो पहले बहुत मद्यपान करता था ऐसे सब हेतु, और उसने बंद कर दिया अभी 1 महीने से, जब जब से निकला क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम, तो अभी वो डर गए हैं, डॉक्टर भी उनको बोल रहे कि अभी डायलिसिस करना पड़ेगा, ये वो ऐसे बोल रहे हैं, कई डॉक्टर बोले कि अभी ज़रूरत नहीं है क्रिएटिन की, अभी क्या दवाई दी है ना, क्रिएटिन बड़ा कम करने के लिए क्या दवाई है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो पित्त बढ़ गया है, और ये पित्त जो है वो अपान क्षेत्र में गया है, ऐसे अगर ऐसा उसका निदान किया और उसके हिसाब से अपान काल में पित्त शामक दवाइयाँ मैंने दी है उसको, रक्त शामक रक्त पित्त शामक ऐसी दवाइयाँ दी है, तो अभी क्या है देखेंगे अभी 10 दिन के बाद, तो विचार जो है वो हमारे अनुसार ही करना, तो क्रिएटिन उसका कम हो गया तो वो क्रिएटिन की दवाई हो गई है ना उस पेशेंट के लिए, तो ऐसे गूगल पे भी कभी सर्च मत करो, या फिर ऐसा कुछ रिसर्च भी मत करो कि क्रिएटिन कौन से दवाई से कम होगा आयुर्वेद के, या फिर ऐसे बाकी कुछ नहीं, हाथ ही कुछ लगेगा नहीं, हाथ में कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ आप ढूंढते रह जाओगे। हमारा निदान है वो आयुर्वेदीय तरीके से ही होना चाहिए, दोषों को धातुओं को छोड़कर कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो बहुत सीमित है ये विचार, इतने तक विचार किया तो भी बहुत हम अच्छे अच्छे केस सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा है, क्योंकि आप गूगल पर ऐसे सर्च करोगे ना आयुर्वेदिक हर्ब फॉर दिस एंड दैट,
आपको बहुत से मिलेंगे आर्टिकल, किसी ने ये रिसर्च किया, किसी ने वो रिसर्च किया, तो कुछ कुछ फायदे के लिए नहीं रहता। हाँ, क्योंकि वो कोई एक खाता द्रव्य कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन को देकर उसका ये देखना, ये ऐसा नहीं आयुर्वेद होता। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारे सिद्धांतों के अनुसार चिकित्सा देनी। ऐसे और हाँ, और एक प्रश्न लेंगे और रुकेंगे। बोलो। प्रश्न पूछते जाओ, आपकी जो क्लिनिक में केसेस आते हैं, आपको लगा नहीं मुझे पूछना नहीं मुझे बताना है, ऐसे तब भी बता सकते हो आप कुछ। हाँ, किसी का भी, किसी से भी, किसी का भी, ऐसा कुछ नहीं कि आप ही पूछोगे और मैं ही बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक फीमेल पेशेंट है, 22 ईयर। हेलो, हाँ आवाज आ बोलो रही सर? बोलो बोलो। हाँ सर, एक फीमेल पेशेंट है, 22 ईयर सर। उनको अभी उनको सर उनको विजडम टू टीथ आ रहा था। तो उनको क्या हो रहा है अभी, मतलब ना पूरे मतलब जाँ में सूजन है। तो उनको क्या है, वो मॉडर्न डॉक्टर के पास गई थी, तो उनको मतलब सूजन कम करने के लिए दवाई दिए हैं। और उनका कहना है कि मतलब दांत को निकालना पड़ेगा। तो अभी उनको दिक्कत ये हो रहा है सर, जैसे हार्ड जो भी चीज खाते हैं ना, रोटी वोटी, तो उसको लेने में दिक्कत हो रहा है। और जैसे जो अनुसंधि है वो भी मतलब जैसे बीच बीच में स्लिप हो जाता है अपने जगह से। तो इसके लिए सर अभी कैसा विचार कर सकते हैं? नहीं, अगर वो दंत तकलीफ दे रहा है, IWD इम्पैक्टेड विजडम टीथ जो है, IWD, तो अगर वो ये हो रहा है और उसके वजह से अगर मेद और रक्तदृष्टि होने वाली है, तो वो निकालना ही अच्छी बात है। क्योंकि क्या होगा, आप, हाँ, अगर वो वहाँ आरक्ता वर्णता है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप ऊपर से जलोका लगाकर वो सब कम कर सकते हैं, पर तो वो बाद में वो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, पर बाद में वापस उसको हो रहा है, ऊपर से दांत आ रहा है और नीचे अगर जगह नहीं है, हाँ, तो व्रण उत्पत्ति होगी और वापस से ये सब कुछ होगा, हाँ, तो वो दर्द नहीं सह पाएगी। तो उससे अच्छा वो निकालो, और निकालने के बाद जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है वो कर दो। हाँ, मेदोपाचक रक्तपाचक चालू कर दो और उसको बोलो अभी निकालो दांत, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ, और व्रण भी जल्दी हील जाएगा। उसके बाद मधुदक का गंडूष देना उसको करने, तो जो है वो व्रण जल्दी भरते हैं मुख के। उनको मतलब वो गैप नहीं मिल पा रहा है पूरे, जो विजडम टीथ आना है ना बाहर। तो इसलिए उनको अभी मतलब जगह नहीं मिल पा रहा है, तो बराबर सूजन है। कम करने की दवाई दी है अभी। बराबर है। तो एंटीबायोटिक देने के बाद क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, और इससे भी नहीं दिया और आपने रक्तपचक दिया और जलों का उच्चारण किया, तो उससे भी कम हो जाता है। उससे जलों का उच्चारण से तो झट से ही कम हो जाता है, 3 दिन भी नहीं लगते ऐसा। नहीं, उनको सर बाहर से ऐसा ना नीला वरना या फिर सोप ऐसा बाहर से नहीं है फिर भी क्या उनको, हुआ, एक मतलब हफ्ते तक रक्त निकलता है जलोका से, तो वहां जलोका लगाई तो फिर अंदर का इंफ्लेमेशन कम हो जाएगा। अंदर लगा भी सकते हो आप जलोका, ऐसा कुछ नहीं है। मुंह में कॉटन स्वैब हाँ सर। डालकर वहां भी जलोका अगर आप लगाते हो तो वहां लगा सकते हो ना, ऐसा भी नहीं है कुछ। तो झट से स्वेलिंग कम हो जाता है एट दैट पॉइंट। हाँ, 1 घंटे में सब कुछ उसको मैं जाता है, जो एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन 3 दिन करती है वो 1 दिन में हो जाता है, पर वो सब आप करने, जलोका का वहाँ प्रयोग होना चाहिए। हाँ, आपने पहले किया होना होना चाहिए, और सब कुछ चाहिए, और पेशेंट राजी चाहिए उसके लिए। ऐसा है। जी सर। ठीक है, चलो रुकेंगे, कल भी करेंगे डिस्कशन। आप केसेस निकालो, कुछ प्रश्न निकालो। कल भी डिस्कशन करेंगे 9 बजे। आपके कुछ अच्छे केसेस हो जो सर, आपको, कर्ण पूरण के लिए नित्य कौन सा तिल तेल ही यूज तेल करना तेल है नित्य या करना है, कोई तेल अच्छा? तेल
हाँ तिल तिल लग कुछ नहीं, तिल तिल अगर वार्धक्य जन्य है तो आप भ्रूण करने वाला तेल ये कर सकते हो, है ना। और तरुणावस्था में हो, पित्त प्रकृति हो, तो आप शीत गुण का तेल प्रयोग कर सकते हो, उस हिसाब से भी कर सकते हो, है ना। उसको लग रहा है कि सिर मेरा बहुत जड़ होता है, ऐसा महसूस कुछ हो रहा तो तिल तिल प्लेन यूज करो। ऐसे तो तेल पूर्ण करना, करना पूर्ण करना मीन्स क्या, थोड़ा वार्म करना वो तेल, थोड़ा सा गरम करना, हाँ ज़्यादा भी नहीं कम भी, ठंडा नहीं डालना, और वो करना में डालना 100 मात्रा तक रुकना इसे, और फिर निकाला तो भी चलेगा, तो दूसरे कान में, हाँ ऐसा करना है, ठीक है। रुकेंगे, धन्यवाद सर। ओके।